बैक टू आवर चैनल द इंडियन फूड गैलरी। तो गर्मी का सीजन आ ही गया है तो आम दाल बना ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आम दाल। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कच्चा आम ले लिया है और इसको हम इससे करके क्लीन कर लेंगे। क्लीन हो जाने के बाद अभी हम इसका छोटा छोटा पीस बना लेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे करके काट लेंगे, पीस बना लेंगे इसका एक एक साइड ऐसे काट के, फिर ये जो बीच का है एक क्लीन करके फिर इसका हम 3 से 4 टुकड़ा कर लेंगे। एक बड़ा आम का देखिए इतना पीस निकला है, लेकिन हम सब नहीं डालेंगे तो हम 2 से 3 पीस जो है वो रख देंगे और बाकी जो 4 पीस है वो हम दाल में डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे 200 ग्राम मसूर का दाल ले लिया, इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ठंडा पानी के हेल्प से। दाल को अभी प्रेशर में देंगे, फिर उसके बाद हम मिलाएंगे पानी। यहाँ पे हम 2 से 3 कप पानी लिए, फिर इसमें जाएगा नमक। यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक का यूज किया और देंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के करीब। फिर हम हाई फ्लेम में इसका 1 सीटी देंगे और फिर लो फ्लेम में 2 से 3 सीटी। 3 सीटी के बाद ये अच्छे से कुक हो गया है, इसको हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे। फिर वो तेल को थोड़ा फैला देंगे कढ़ाई पे। ये अच्छे से गर्म हो गया है, एक स्मोकी फ्लेवर आ गया है। अभी 2 लाल मिर्च हम दे देंगे, सूखा लाल मिर्च। देंगे सरसों का दाना 1 चम्मच, ये छिटकेगा लेकिन बहुत ज़्यादा। फिर हम जो आम कटे हुए रखे थे कच्चा आम वो दे देंगे। देंगे हल्दी, थोड़ा सा नमक। अभी हम इसको चला लेंगे अच्छे से, सारा चीज़ को हम कर लेंगे मिक्स। फिर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए पूरा एकदम सॉफ्ट हो गया है आम, जो कच्चा आम था ये अच्छे से पक गया है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अभी जो हम बॉईल करके रखे थे वो दाल वो दे देंगे यहाँ पे। इसको हम अच्छे से थोड़ा चलाएंगे। दाल में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अभी हम चीनी दे देंगे टेस्ट के अनुसार। फिर देंगे थोड़ा नमक, ये भी अपने अपने टेस्ट के अनुसार देंगे आप। इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर हमें करना है एक आम का टुकड़ा लेके, यहाँ पे हमें इसको मैश कर देंगे और मिला लेंगे अच्छे से। उसमें क्या होगा, इसका जो खट्टा खट्टा टेस्ट है ना वो दाल के साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा। फिर हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और भी थोड़ा सा, और फिर 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। देखिए 5 से 6 मिनट के बाद हमारा दाल अच्छे से पूरा गाढ़ा हो गया है, आम दाल बनके हो गया है तैयार। देखने में जैसा लग रहा है खाने में भी ऐसा टेस्टी है। गरम गरम राइस के साथ इसको आप सर्व करिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।